कांग्रेस में आज नए अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के सभी कार्यालयों में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सांसद पी चिदम्बरम, जयराम रमेश और पार्टी के अन्य नेताओं ने दिल्ली में एआईसीसी कार्यालय में वोट डाला। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में अपना वोट डाला। आपको बता दें, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने एआईसीसी मुख्यालय में वोटिंग की। सोनिया ने कहा, मैं इसका लंबे समय से इंतजार कर रही थी, आज वह ऐतिहासिक दिन आ गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के बाद पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह ने एआईसीसी कार्यालय में अपना वोट डाला। आपको बता दें कि कुल 9,300 प्रतिनिधि मतदान करेंगे, जहां देश भर में 36 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 67 बूथ हैं। इनमें 6 बूथ उत्तर प्रदेश में होंगे। एक बूथ पर 200 वोट डाले जाएंगे। 19 अक्टूबर को मतगणना होगी। कांग्रेस पार्टी के 137 साल पहले के इतिहास में छठी बार चुनावी मुकाबला होने जा रहा है।